जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज आपका बैंक निफ्टी में कैसा मार्केट रहा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका क्या प्रॉफिट बना, क्या लॉस हुआ, किस जगह आपने ट्रेड लिया था, ये सारी बातें कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। चलिए, थर्सडे पे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं 2 मई को। कल मार्केट बंद है 1 मई को, महाराष्ट्र डे के उपलक्ष्य में, तो 2 तारीख को मार्केट ओपन होगा। बैंक निफ्टी में देखने को क्या मिल रहा है? आज हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं मई वाले को, जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और मार्केट में ट्रेड लेने से पहले बैंक निफ्टी का चार्ट मत लगाइएगा, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट लगाइएगा, जो ज़्यादा अच्छा आपको बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम करेंटली लेवल पे बात करें तो आज मार्केट के अंदर जिस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल होता है, जो मार्केट में ये बताता है कि यहाँ से मार्केट वापस लौट सकता है और यहाँ से मार्केट कुछ समय के लिए रुक सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। ज़रूरी नहीं है लौटेगा, या ज़रूरी नहीं है ऊपर नहीं जाएगा, ज़रूरी ये है कि यहाँ कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। ये दोनों बातें दिमाग में रखिएगा। तो अगर रुकता है तो ऑप्शन बायर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रीमियम का डिके होगा। लौटता है तो पुट वालों की वाह, आगे जाएगा तो कॉल वालों की वाह। अब क्या होगा, वो कैसे समझ में आएगा, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, शूटिंग स्टार हमेशा ही ऑल टाइम हाई पे बनता है, तो वह ज़्यादा वैलिड है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे बना है और ये वैलिड अच्छा है, यहाँ से चांसेस हैं कि ये लौट जाए। इसके पहले वाली कैंडल की बात करेंगे हम, इस ग्रीन कैंडल की बात करेंगे। तो ग्रीन कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअल में बाइंग प्रेशर यार बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। बाइंग प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी था, मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्टेड थे, इंटरेस्टेड थे। और आज ये शूटिंग स्टार की जो अपर शेडो है, वो इस बात को बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए हैं, और सेलर हावी होने के साथ साथ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है। तो हो सकता है जो बायर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, वो अब एग्जिट कर चुके हों, ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। अब ये सच है कि नहीं, ये हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक थॉट हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम देख के तो यही लग रहा है कि इस पॉइंट पर एक सेलर ही हावी हुआ होगा, रिटेलर हावी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन आई थी, मैं मार्केट में देख रहा था, जिस स्पीड से आई थी, उस स्पीड से सेलर जहाँ तक इन्वेस्टर ही हो सकते हैं, रिटेलर इतनी जल्दी इतना नहीं सोच पाते हैं कि अब यहाँ से मार्केट और नीचे गिरा ही देंगे, ठीक है। तो जनरली इस पॉइंट का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड था इसके पर्सिंग पैटर्न से, उसने अपनी एग्जिट कर दी है पोजीशन। अब अगर उसने एग्जिट कर दी है, तो यहाँ से सेलर के कंट्रोल में मार्केट आ सकता है। ये पता कब चलेगा? ये पता हमें उस समय चलेगा जब अगले दिन, मतलब थर्सडे को जब मार्केट ओपन होता है। मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इस 49,300 के लेवल को एज अ सपोर्ट ले लिया, वापस से क्या ले लिया, सपोर्ट की तरह ट्रेड किया, और यहाँ से ऊपर जाने लगा, तब तो ये जान लीजिए कि मार्केट उस पॉइंट पे बेरिश नहीं हुआ है, और ये एक रास्ते का रुकावट थी। हो सकता है ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी देर थक गया है, रुका है, फिर ऊपर जा सकता है। तो उस केस में ये ट्रेंड रिवर्सल वैलिड नहीं रह जाएगा, और मार्केट एक नया हाई बनाएगा, और आप एंट्री करिएगा कितने पे, लगभग 49,325 प्लस के आसपास, और आपका जो SL बनेगा वो आपका यही सपोर्ट बन जाएगा 49,300, ठीक है। लेकिन यहाँ तभी एंट्री बनाइएगा जब मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर इन केस ये मार्केट ब्रेक हो गया, क्यों? क्योंकि यार थोड़ा सा एक जो मेरे को चिंता दिखाई दे रही है, वो इसके RSI में दिखाई दे रही है। RSI में आप देखेंगे तो RSI का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड आया है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, यहाँ पे हमें एक बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है डाउन साइड की, और इस पॉइंट पर जब मार्केट था तो ये एक ट्रेंड लाइन थी अपसाइड की। जब मार्केट में इस तरह का, मार्केट और RSI के बीच में इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं बेरिश क्रॉसओवर, और इन पॉइंट्स पे जनरली मार्केट एक सपोर्ट पे लेके वापस नीचे आ जाता है, कुछ M फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन अगर कल मार्केट इस M फॉर्मेशन का अप ट्रेंड वाला पार्ट करता है, तो चांसेस हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए इसी पॉइंट के बीच में
होल्ड करें और थर्सडे को हमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखाई ही ना दे, क्योंकि इस समय वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपने, ठीक है। अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एक बार, तो वापस से ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट गिर के थोड़ी देर के लिए अगर रेजिस्टेंस पे आता है और फिर गिरना शुरू करता है, देन हम एंट्री करेंगे, और एंट्री हमारा SL हो जाएगा 49,333,000, और टारगेट्स हमारे फिर पूरा सपोर्ट लेवल, नीचे तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लगभग 46,800 तक के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं, और ये एक इलेक्शन वीक, इलेक्शन मंथ है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है अगले वीक, तो इसके लिए एक और छोटा सा हमें देखना चाहिए वीकली चार्ट पे। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो वीकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है विद हाई वॉल्यूम। अब अगर हाई वॉल्यूम से बुलिश है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है इसका नीचे गिरना, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये सपोर्ट लेके ऊपर ही ट्रेड लेगा अगले वीक, और हमें वापस से 50,000 तक के लेवल्स या 50,200 तक के लेवल्स देखने को वापस से मिल सकते हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि जब कोई मार्केट किसी ट्रेंड में जा रहा होता है तो क्यों जा रहा होता है हमें ये नहीं सोचना चाहिए, और वो तब तक जाएगा जब तक उसको रोकेगा नहीं कोई। जैसे एक फिजिक्स का लॉ है, इफ़ अ बॉडी एट मूविंग इट रिमेन एट मूविंग अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो अगर कोई बंदा एक बड़ा फोर्स लेके इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक ये मार्केट रिवर्स नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं बुल्स एग्जिट भी कर रहे हैं तो भी मार्केट रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर पीछे लगे थे इसको पुशअप करने में, वो अभी भी जिंदा है, वो उठाएंगे मार्केट को। तो एक बेयर आना पड़ेगा, बड़ा प्लेयर आना पड़ेगा जो मार्केट को गिराएगा, और जिस दिन मार्केट गिराएगा उस दिन मार्केट में हैवी सेलिंग हमको महसूस हो जाएगी। मतलब हमें 300-400 पॉइंटों की सेलिंग देखने को मिलेगी। अब कुछ लोगों का कहना होगा, सर आज ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हो गया था। नहीं, आज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी और पोजीशंस स्क्वायर ऑफ की गई थी, जिसकी वजह से ऐसा एक चेंज देखने को मिला था अपने को। आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। मार्केट बुलिश है, बेरिश नहीं है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि जो वीकली चार्ट पे बाइंग प्रेशर है वो बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है, और बड़े प्लेयर्स वीकली और मंथली चार्ट पे काम करते हैं, ना कि डेली चार्ट्स पे। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपकी क्या राय निकल के आ रही है अगले पूरे वीक को लेके बैंक निफ्टी के, प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए। देखते हैं मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखाता है और कहाँ हमारा और पैसा बनता है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। और कोई भी शेयर अगर आपने ले रखा है, उसका अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उस शेयर का डिस्कशन जरूर करूँगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। जय श्री राम।